अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। प्यारे दोस्तों, होम अप्लाइंसेस रिपेयरिंग सीरीज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक स्टीम आयरन की रिपेयरिंग किस तरह की जाती है, स्टीम आयरन को खोलने का क्या तरीकाकार है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टीम आयरन की वायर से लेकर इसके एलिमेंट तक इसमें कौन कौन सी खराबी आती है, इसको किस तरह ट्रेस करना है कि वायर खराब है, थर्मोस्टेट का मसला है या एलिमेंट का मसला है, और फिर उसको रिप्लेस किस तरह करना है, उसको ठीक किस तरह करना है, किन किन चीज़ों की मदद से ठीक करना है। अक्सर औकात स्टीम आयरन में कोई भी बड़ी खराबी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक छोटा सा जो पार्ट है, जो चोर स्विच है, वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ही हमारी स्टीम आयरन काम करना छोड़ जाती है। इसके अंदर ये कौन सा पार्ट है, अगर आप इन तमाम बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप अपने घर पे अपनी स्टीम आयरन को खुद ही ठीक कर सकेंगे। मेरे पास मौजूद है जी वेस्ट पॉइंट कंपनी की डिलक्स स्टीम आयरन, जो की एक 2200 वाट की स्टीम आयरन है। आज हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस ओपन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें सबसे पहले ये वाला एक स्क्रू देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली हमारी जो इसकी टिप थी, इसकी मदद से हमने ये वाला स्क्रू खोल दिया है। किसी और टिप की मदद से इसको नहीं खोला जा सकता। अगर आपने अपनी स्टीम आयरन को ठीक करना है तो आपको एक वॉच मेकर सेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसकी बैक साइड को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक इसकी साइड हमने ओपन कर ली है। एक बार पहले मैंने इसकी बैक साइड ओपन की थी और इसकी मैंने ये वाली वायर जो है वो काट दी थी इसको टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए ये आपको कटी हुई नजर आएंगी। तीन तारें हमारी पावर केबल से आ रही हैं, जिनमें से एक जो है वो फेज़ है, एक न्यूट्रल है और एक तीसरी जो हमारी तार है वो अर्थ की तार है। अर्थ की तार की पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन वायर है और उसके ऊपर येलो कलर की लाइन लगी है, तो ये हमारी अर्थ की तार हो गई। ये यहाँ पर इस तरीके इसके बॉडी के साथ अटैच होगी और ये वाली जो दो तारे हैं ये एलिमेंट की तरफ जा रही हैं। इनको हम अलग कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम इस्त्री को मुकम्मल ओपन करने से पहले ये वाली जो पावर लीड है, इसकी जो केबल है, इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है हमारी सिर्फ ये वाली तार खराब हो और हमें पूरी इस्त्री ओपन ना करनी पड़े। आपने जब भी अपने घर पर कोई भी चीज़ ठीक करनी है तो उसको स्टेप बाई स्टेप आपने चेक करते जाना है। तो इसी तरह हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे अपने मल्टीमीटर की मदद से। अब केबल को चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को इस्तेमाल करेंगे जी। इसको मैं रखूंगा यहाँ पर डायोड के ऑप्शन के ऊपर, कॉन्टीन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर। एक वायर मैं लगाऊंगा कॉमन के ऊपर, दूसरी मैं लगाऊंगा डायोड और कॉन्टीन्यूटी के ऊपर। अब इसकी रीडिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। तो दोस्तों ये वाली जो इसकी प्रॉब्स हैं, इसको हम लगाएंगे पावर केबल के दोनों टर्मिनल के साथ। यहाँ पर तारें कटी हुई हैं, अलग अलग हैं। जब हम इस दोनों के साथ लगाएंगे, अगर हमारी पावर केबल अंदर से शॉर्ट हुई तो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किसी किस्म की रीडिंग मौजूद नहीं है। अगर हमारी केबल खराब होती, अंदर से किसी जगह से शॉर्ट होती, ये दोनों तारें आपस में मिली हुई होती, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग चेंज हो जाती और हमें मीटर के अंदर एक बीप सुनाई देती। सबसे पहले इसका हमने जो टेस्ट किया ये अंदर से शॉर्ट नहीं है। उसके बाद आप ये वाली जो दो तारे हैं इनको आपस में जोड़ दें और यहाँ पर आप दोनों टर्मिनल जो है वो लगा दें, तो यहाँ पर रीडिंग स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ चुकी है, हमारी ये वाली केबल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने केबल को चेक कर लिया है, लेकिन हमारी स्टीम आयरन क्योंकि काम नहीं करती तो हमें अब इसको मजीद ओपन करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो आप देख लेते हैं कि स्टीम आयरन किस तरह खुलती है। तो वन बाई वन हम तमाम स्क्रूज को खोल लेते हैं। वायर को हमने बाहर निकाल लिया है जी। अब जनाब इसके ये वाले जो स्क्रू है इसको ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर वाली केसिंग हम खोल लेंगे और स्टेप बाई स्टेप इसको हम खोलते जाएंगे। यहाँ पर इसका जो वाटर पंप सिस्टम है, इसमें कोई खराबी हो तो आप इसको स्टेप बाई स्टेप खोलें तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। जैसे इसको ओपन करते जाएंगे तो इसके तमाम स्क्रू सामने आते जाएंगे। ये वाले जो दो स्क्रू हैं इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वाले दो स्क्रू हमने ओपन कर लिए। इसके बाद आपने इसकी ये वाली जगह खोलनी है और इसको यहाँ से ऐसे हटाकर देखना है। यहाँ पर एक स्क्रू मौजूद होता है, ये स्क्रू भी आपने यहाँ से खोल लेना है। इस स्क्रू को खोल लेने के बाद दोस्तों ये वाले बटन जो हैं वो आपने बाहर निकाल लेने हैं। इनको यहाँ से एक पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से या टेस्टर की मदद से इसको इस तरह प्रेस करना है तो बटन बाहर आ जाएंगे। दूसरे बटन को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक हमारा स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सारा वाटर पम्प सिस्टम लगा है। एक वाटर पम्प जो सामने की तरफ पानी को फेंकता है, दूसरा जो है वो इसकी बेस में पानी को भेजता है। इनको भी हम वन बाई वन यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अगर आपकी स्त्री में ये वाला मसला है तो आप इसको इस तरह खोलकर ये वाली चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, मार्केट में से आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये वाला एक वाटर पंप मैंने निकाल लिया है। दूसरे वाले को आप यहाँ से पिचकस से थोड़ा सा करेंगे ऊपर की तरफ तो इसका पंप बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लगे हुए एक स्क्रू को ओपन करेंगे। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को हमने इस तरह फंसा कर इसको बाहर की तरफ धकेलना है तो ये ओपन हो जाएगी। अब आराम से हम केसिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दो स्क्रू हैं ये डायरेक्ट बॉडी के साथ हैं और यहाँ पर जो दो स्क्रू थे हमने जो ओपन किए थे ये भी डायरेक्ट बॉडी के साथ थे। अगर इसके वाटर पंप को ठीक ना करना हो, डायरेक्ट इसके एलिमेंट या थर्मोस्टेट को ठीक करना हो, तब्दील करना हो, तो ये वाले चार स्क्रू ओपन करके आप वाटर पंप के इस सेक्शन को छेड़े बगैर इसकी बेस तक पहुँच सकते हैं। वीडियो में इसको मुकम्मल खोलने का ये मकसद था कि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। अब इसके ये वाले स्क्रू ओपन कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर इसकी एलईडी है, इसको हम साइड पे करते हैं, इंडिकेशन लाइट है।
इसको हमने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर हम इस स्प्रिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं तो टिक टिक की जो आवाज़ पैदा होती है वो इस स्प्रिंग और इस प्लास्टिक की मदद से पैदा होती है। इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इसका कोई और मकसद नहीं है। अब इसकी केसिंग को ओपन कर लेते हैं जी। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये आप देख सकते हैं इसका ये वाटर टैंक है। एलिमेंट तक पहुँचने के लिए हमें तीन ये वाले स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। ये पुर्सलिन के तीन टुकड़े हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए थे, इनको हम बाद में यहाँ पर लगा देंगे। अब दोस्तों हमारी स्टीम आयरन ओपन हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल इस्त्री की तरह इसके तमाम पार्ट्स हैं। ये वाला इसका एलिमेंट है, ये वाला इसका थर्मोस्टेट है। इसमें सिर्फ एक इजाफी चीज़ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है, यही वो उसका चोर स्विच है जो कि इसके अंदर इसकी सेफ्टी के लिए लगा है। ये एक समझे प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक छोटा सा फ्यूज़ है जिसको थर्मल फ्यूज़ कहते हैं। तो दोस्तों ये जो तमाम की तमाम करंट है वो इस इस्त्री के अंदर इस थर्मल फ्यूज़ से गुजर कर, इसके थर्मोस्टेट से गुजर कर इसके एलिमेंट में ट्रेवल करती है और ये एलिमेंट जो है वो गर्म हो जाता है। अगर इस्त्री ज़्यादा गर्म हो तो इसके एलिमेंट को जलने से बचाने के लिए इसके अंदर एक इजाफी प्रोटेक्शन दी गई है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ खराब है, थर्मोस्टेट के टर्मिनल आपस में नहीं जुड़ रहे, या ये वाला हमारा थर्मल फ्यूज जल चुका है, या फिर ये हमारा एलिमेंट खराब है। इसको हम तीनों को वन बाई वन चेक करेंगे। इस्त्री को हम पहले साफ कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहले हमने इसकी सेटिंग रखी थी। इसको दोबारा हम कॉन्टीन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर तीन तारें आप देख सकते हैं। ये वाली जो तार है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की तार है, तो यहाँ पर ये बॉडी के साथ लगी है, इसको हमने चेक नहीं करना। दोनों तारों के साथ हम अपने मल्टीमीटर की ये वाली जो दो तारें हैं इनको लगा देंगे और इस प्रॉप को हम फुल के ऊपर रख देते हैं। जैसे हम लगाते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए थी, अगर इसी ठीक होती तो रीडिंग आ जाती, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की रीडिंग नहीं आई। तो अब हम बारी बारी तमाम चीज़ों को चेक करेंगे। ये वाली तार आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर कर यहाँ तक आ चुकी है, तो बीच में ये जो है वो थर्मल फ्यूज़ है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब मल्टीमीटर की एक तार को हम लगाएंगे थर्मल फ्यूज़ के एक सिरे के साथ। अगर हमारा थर्मल फ्यूज़ ठीक हुआ तो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ जाएगी, अगर ठीक नहीं हुआ, कंटिन्यूटी इसमें मौजूद ना हुई, तो ये हमारी रीडिंग स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। इसको हम इसके दूसरे सिरे के साथ लगा लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं आई तो इसका मतलब है कि हमारा थर्मल फ्यूज़ का मसला है। मज़ीद वेरीफाई करते हैं, इसको हम बाईपास कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आगे हम इस्त्री को देख लेते हैं कि इसकी आगे कंडीशन ठीक है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेड कलर की तार है ये यहाँ से थर्मोस्टेट के साथ जुड़ी है, थर्मोस्टेट से आउट होकर यहाँ पर एलिमेंट के साथ जुड़ी है, एलिमेंट के अंदर से करंट ट्रैवल करती है और दूसरे सिरे तक आती है, और यहाँ पर हमारी ये वाली थर्मल फ्यूज़ की तार जुड़ी है। थर्मल फ्यूज़ को हम छोड़ देते हैं, बाकी को हम चेक कर लेते हैं। एक तार को हम लगाएंगे एलिमेंट के एक सिरे के साथ और दूसरी को हम लगाएंगे थर्मोस्टेट की दूसरे सिरे के साथ। जैसे ही हमने इसको लगाया तो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ गई, इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी मौजूद है, हमारा एलिमेंट है ये भी ठीक है और इसका जो थर्मोस्टेट है ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम बिल्कुल जीरो के ऊपर रखकर देख लेते हैं कि जो हमारा थर्मोस्टेट है वो कट ऑफ होता है या नहीं। तो अब स्क्रीन के ऊपर कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं आई। एलिमेंट को अलग से चेक करने के लिए हम इसके दोनों सिरों के साथ डायरेक्ट जो है तारे मीटर की लगा देंगे और देखें स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ चुकी है, एलिमेंट में कंटिन्यूटी मौजूद है। थर्मोस्टेट के अंदर एक और मसला आता है कि इसके ये वाले जो दो टर्मिनल्स हैं जहाँ पर करंट पास होती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो इनके दरमियान में कार्बन आ जाती है स्पार्किंग की वजह से। तो यहाँ पर आप इसको खोलकर इन पॉइंट्स को साफ कर सकते हैं रिगमार की मदद से, और अगर थर्मोस्टेट को चेंज करना हो तो इसके ये वाले दो पेज खोलकर इसको तब्दील कर सकते हैं आप, और अगर एलिमेंट जल जाए तो इसकी पूरी की पूरी बेस को तब्दील करना पड़ता है। अब हम इस थर्मल फ्यूज़ को निकाल लेते हैं और इसकी जगह नया थर्मल फ्यूज़ लगा देते हैं। इसके ऊपर से मैंने स्लीव को हटा दिया है, ये आप देखिए कैप्सूल नमा जो चीज़ है इसको कहते हैं ये थर्मल फ्यूज़। कुछ लोग इसको डायोड समझ लेते हैं, कुछ इसको रजिस्टर समझते हैं, फिर इसको अक्सर लोग जो है वो रिमूव कर देते हैं इस आयरन के अंदर से। तो अगर इस थर्मल फ्यूज़ को बाईपास कर दिया जाए, इसको इसके अंदर ना लगाया जाए, तो उस वक्त ये होगा कि जब इस्त्री ओवरहीट होगी इसका एलिमेंट जल सकता है, तो इस तरह हमारी पूरी की पूरी इस्त्री बेकार हो सकती है। इसके ऊपर टेम्परेचर मेंशन होता है कि इसने कितने टेम्परेचर तक वर्किंग करनी है, उसके बाद ये जल जाएगा। तो इसके ऊपर एक रीडिंग है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 227 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जल जाता है। मार्केट में मुख्तलिफ रेटिंग के थर्मल फ्यूज़ मिल जाते हैं, जिस रेटिंग का थर्मल फ्यूज़ इस्त्री में लगा होता है उसी रेटिंग का या उससे मिलता जुलता इस्त्री में दोबारा लगाना चाहिए। अब इस पुराने थर्मल फ्यूज़ को हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पर नया लगा देते हैं। अब इस पुरानी वायर को और इस थर्मल फ्यूज़ की नई वायर को मैं आपस में ट्विस्ट कर लेता हूँ। अब इसके दूसरे सिरे को मैं यहाँ पर इस वायर के साथ ट्विस्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने सोल्डरिंग कर दी है ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो। अब इसके ऊपर स्लीव को चढ़ा देते हैं जी। तो पहले दोस्तों मैंने इसकी स्लीव लगा दी है। अब इसी के जो दो टर्मिनल हैं जहां पर हमने सप्लाई की तारें लगानी है, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जिसमें हमारा थर्मल फ्यूज, थर्मोस्टेट और एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हम अपने मल्टीमीटर को लगाएंगे और इसकी टोटल कंटिन्यूटी को हम चेक कर लेंगे। मीटर को लगाने से पहले इसको हम करेंगे जीरो पोजीशन के ऊपर, फिर दोनों तारे मैं लगा देता हूँ जी यहाँ पर। अब हमारे पास कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट ऑफ है। जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे, जैसे ही कनेक्ट होगा तो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ चुकी है। अब हम इस इस्त्री को उसी तरतीब से क्लोज करते हैं जिस तरह हमने इसको ओपन किया था। सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये वाली प्लेट लगा देनी है, हम इसकी भी अंदर से जो है वो सफाई कर लेते हैं।
वायर्स को मैंने यहाँ से डाल दिया है पोर्सिलिन के ये वाले टुकड़े, जो कि एलिमेंट की प्लेट को और इस ऊपर वाले कवर को आपस में इंसुलेट करते हैं। दोनों रबर की सील को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस प्लेट को इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह। इसके ऊपर हम स्क्रू को लगा देते हैं और इनको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस केसिंग को इसके ऊपर लगा देते हैं। वायर्स को यहाँ से बाहर निकालना है, एक स्क्रू यहाँ पर और दो यहाँ पर लगाने हैं। इसका ये वाला जो हैंडल है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर इसको रखना है और इसको हम करेंगे प्रेस। अब इसके पंप की फिटिंग कर लेते हैं। दोनों वाटर पंप मैंने इसके ऊपर फिट कर दिए हैं। यहाँ पर एक रबर की सील है जो कि पानी को रोकने के लिए है। इसके ऊपर ये वाला जो कवर है इसको हम लगा देते हैं और दो हम यहाँ पर लगा देंगे। पंप के ऊपर इसके बटन को फिट कर देता हूँ। ये वाली जो केस है हम इसको लगा देते हैं। अब दोस्तों इस इस्त्री को मैंने मुकम्मल तौर पर जोड़ लिया है। कनेक्शन करने से पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे कहीं से इसकी कोई भी वायर जो है वो इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। दोनों वायर्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस्त्री को हम फुल स्पीड के ऊपर रखेंगे। एक बार हम इस्त्री की कनेक्शन को वेरीफाई करेंगे। इस्त्री की कंटिन्यूटी अंदर से कम्प्लीट है। अब एक वायर को हम बॉडी के साथ लगा देंगे किसी भी एक जगह पे जहाँ पर मेटल हो। यहाँ पर मल्टीमीटर के ऊपर कोई भी रीडिंग मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी इस्त्री शॉर्ट नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर रीडिंग आ जाती तो इसका मतलब ये था कि इसका एलिमेंट, इसका थर्मोस्टेट या इसका थर्मल फ्यूज कहीं से भी बॉडी के साथ शॉर्ट है। और उसका नुकसान ये होता कि जैसे ही हम इस इस्त्री को प्लाई मुहैया करते तो जो करंट था वो इसकी बॉडी में भी आ जाता। मेटल के ऊपर हाथ लगाने पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था। अब क्योंकि हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक है तो अब हम इसके साथ इसके कनेक्शन कर देते हैं। इसकी वायर को हम लगा देते हैं जी। इसको हम यहाँ से गुजार कर कनेक्शन के लिए इसकी जो ग्रीन वाली वायर है, एक ग्रीन वायर को हम दूसरी ग्रीन के साथ जोड़ेंगे, यानी कि अर्थ की तार को अर्थ के साथ जोड़ देंगे। और ये वाली ब्लू और जो रेड तार है इसको हम के साथ जोड़ देंगे। इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इसकी कैप्स के ऊपर लगाकर हम इस्त्री को क्लोज कर देंगे जी। तो दोस्तों इसको मुकम्मल क्लोज करने के बाद अब हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं। इसके अंदर इंडिकेशन लाइट है। जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा इसकी लाइट एक स्टेज पर आकर ऑन हो जाएगी। अब इसकी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। जैसे ही ऑटो ऑफ होगी तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी इस्त्री मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। अब इसकी लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने घर पे स्टीम आयरन को किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर उसके वाटर पंप का मसला हो तो आप उसके सिर्फ इस हिस्से को खोलकर उसके वाटर पंप के मसाइल को हल कर सकते हैं। मजीद उसको ठीक करना हो जिसमें एलिमेंट, थर्मोस्टेट या थर्मल फ्यूज है तो इसको मुकम्मल ओपन करके आपने किस तरह इन चीज़ों को तब्दील करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मजीद बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका इस स्टीम आयरन की रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।